दोस्तों, देश में लॉकडाउन चल रहा है। ताज़ा मामलों की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1600 का आंकड़ा पार कर गई है। मरीजों की मौत का आंकड़ा 35 को पार कर गया है। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं और घर भी जा रहे हैं। अब तक करीब 10% मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हर वो उपाय लगा रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। कोरोना को हराया जा सकता है, कोरोना के चक्र को कुचला जा सकता है और वैज्ञानिक इसे साबित कर रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, हम आपको ऐसी जानदार जानकारी देने वाले हैं जो इस वक्त डॉक्टर्स तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत में भी इसके लिए सेंटर बना लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये जानकारी आपको कैसी भी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लाज्मा थेरेपी बनेगी कोरोना का काल। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जो लोग कोरोना से उबर चुके हैं, यानी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, वो बाकी मरीजों की जान भी बचा सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस से जंग जीत चुके इन मरीजों में SARS-CoV-2 के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। लिहाजा अब देश में कोरोना के मरीजों का इलाज नए पैटर्न पर किया जा रहा है, और इस पैटर्न का नाम है कन्वेलिसेंट प्लाज्मा पैटर्न, जिसमें COVID-19 के ठीक हो चुके मरीजों का प्लाज्मा ICU में भर्ती गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाने में मददगार बन रहा है। देश में सबसे पहले इस मेथड से लखनऊ में इलाज शुरू हो गया है, और अब देश भर में सर्वाइवर से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जा रही है। इसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में स्टोर किया जा रहा है, और गंभीर मरीज आने पर परिजनों की सहमति से इसे चढ़ाया जाता है। लिहाजा दोस्तों, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये मेथड कितना प्रभावी है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इबोला को हराया, अब कोरोना की बारी। दोस्तों, जब तक इबोला वायरस की वैक्सीन नहीं बनी थी, तब तक इसके कई मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हुआ था। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अप्रूवल इबोला वैक्सीन दिसंबर 2019 में तैयार हुई थी। इससे पहले पेशेंट्स को इस वायरस से बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी के जरिए पैसिव इम्यूनिटी दी गई थी। अब कोरोना का महामारी के रूप में सामने आना एक बार फिर इस दिशा में शोधकर्ताओं को नई चुनौती दे रहा है। अगर शोध का परिणाम पक्ष में आता है तो हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन आने तक इसका इलाज भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए ही किया जाए। कैसे काम करती है प्लाज्मा थेरेपी? COVID-19 के जो मरीज इस बीमारी से लड़कर ठीक हो चुके हैं, उनके शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज की मदद से इस बीमारी से ग्रसित हो रहे नए मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा। इस दिशा में हेल्थ एक्सपर्ट्स तेजी से काम कर रहे हैं। अगर हम काम में सफल होते हैं तो ये कदम इस दिशा में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस साबित हो सकता है। खास तौर पर उन लोगों की जान बचाने में ये बहुत अधिक कारगर हो सकता है जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, या फिर कोरोना के अलावा किसी दूसरे क्रॉनिक डिजीज से भी जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि एंटीबॉडीज किसी भी व्यक्ति के शरीर में उस समय विकसित होना शुरू होती है जब वायरस उनके शरीर पर अटैक करता है। ये एंटीबॉडीज वायरस पर अटैक करती हैं और उसे डीएक्टिव करने का काम करती हैं। आपको बता दें कि एंटीबॉडीज एक तरह की प्रोटीन होती हैं जो वायरस के अटैक के वक्त हमारा शरीर बनाता है। कितने वक्त तक काम आती है थेरेपी? डॉक्टर्स ने पाया कि जब पेशेंट कोरोना वायरस से लड़कर ठीक हो जाता है, तब भी एंटीबॉडीज उसके शरीर में ब्लड के अंदर काफी लंबे समय तक प्रवाहित होती रहती हैं। इस कारण ऐसे मरीज का शरीर इस बीमारी के वायरस को पहचान कर उससे लड़ने के लिए हर समय तैयार रहता है। इसलिए साइंटिस्ट इस दिशा में काम कर रहे हैं कि एंटीबॉडीज सर्वाइविंग पेशेंट्स के शरीर से इन्हें निकाल कर इन्फेक्टेड लोगों के अंदर इंजेक्ट कर दें। इससे पेशेंट का इम्यून सिस्टम इन एंटीबॉडीज की मदद से इनकी जैसी और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। इस तरह की थेरेपी को मेडिकल की दुनिया में प्लाज्मा डिराइव्ड थेरेपी कहा जाता है। इस तरह किसी बीमारी के इलाज के लिए दूसरे के शरीर से निकाल कर किसी मरीज के शरीर में इंजेक्ट की गई एंटीबॉडीज के बाद उसके शरीर में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, उस इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं होता है, क्योंकि शरीर ने एंटीबॉडीज को खुद ब खुद प्रोड्यूस करना शुरू नहीं किया है, बल्कि आउटर सेल्स की मदद से ये काम किया था।
इसलिए ऐसी इम्यूनिटी व्यक्ति के शरीर में कुछ हफ्तों या महीनों तक ही रह सकती है। साथ ही पैसिव इम्यूनिटी का प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। प्लाज्मा थेरेपी में कितना वक्त लगता है? किसी इम्यून व्यक्ति के शरीर से इन एंटीबॉडीज़ को प्योरीफाई करने में काफ़ी वक्त लगता है। इस कारण ये ट्रीटमेंट हाईली रिस्क वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट हेल्थ केयर वर्कर्स को भी दिया जा सकता है जिनके इस इन्फेक्शन में आने के चांस बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि हर समय वो इस संक्रमण से ग्रसित मरीजों की देखभाल में व्यस्त रहते हैं। कब से काम कर रही है तकनीक? प्लाज्मा थेरेपी करीब 120 साल पुरानी है। बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर विजय चौधरी के मुताबिक 120 साल पहले जर्मन वैज्ञानिक एमिल वान बेहरिंग ने टिटनेस और डिप्थीरिया का इलाज प्लाज्मा पद्धति से किया और प्लाज्मा के सक्रिय पदार्थ का नाम एंटीबॉडी दिया। तब से आज तक प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग रेबीज, इबोला वायरस के इलाज में भी हुआ है और नए कोरोना वायरस कोविड-19 से मिलते जुलते वायरस यानी कि SARS-CoV-1 का 2003 में और साल 2012 में MERS-CoV के मरीजों में भी कन्वेलिसेंटेड प्लाज्मा चढ़ाकर इलाज किया गया था। ऐसे में गंभीर मरीजों में परिणाम सार्थक आए। इतना ही नहीं, कई देशों में साल 2009 में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए कन्वेलिसेंटेड प्लाज्मा चढ़ाने की विधि अपनाई जा चुकी है। इस थेरेपी के कारण इबोला वायरस का डेथ रेट करीब 30% तक कम हो गया था। कोरोना वायरस के केस में प्लाज्मा थेरेपी इसलिए भी अधिक कारगर हो सकती है क्योंकि ये वायरस शरीर के सभी मेजर अंगों पर अटैक कर उन्हें हानि पहुंचाता है। ऐसे में एंटीबॉडीज के जरिए इस इन्फेक्शन के संक्रमण को शरीर के अंदर फैलने से रोका जा सकता है। वैक्सीन हमारे शरीर को वायरस से लड़ने और खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनाने के लिए तैयार करती है, लेकिन अभी कोरोना की वैक्सीन आम आदमी तक आने में करीब 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में तब तक प्लाज्मा थेरेपी लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में 24 मार्च को अमेरिकी विशेषज्ञों ने भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इस विधि के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी, जिस पर वो एग्री हो गया है। क्या कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि प्रयोग के हिसाब से प्लाज्मा का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन इसके लिए पेशेंट्स का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होनी चाहिए। डॉक्टर्स के सामने पेशेंट की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की भी चुनौती है। ठीक हुए लोगों को कलेक्टेड प्लाज्मा लोगों के इलाज के लिए बेहतर दवा बनकर उभरी है। जो लोग इस बीमारी से एक संक्रमित हैं, उनके इलाज में मदद मिल रही है। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के हेड डॉक्टर माइक रियान के मुताबिक हाइपरह्यूमिन ग्लोबुलिन रोगियों में एंटीबॉडी को बेहतर बनाता है, जो रोगियों को बेहतर करता है। इसके इस्तेमाल सही वक्त पर किया जाना चाहिए। ये वायरस को खासा नुकसान पहुंचाता है और इससे मरीज का प्रतिरक्षा तंत्र बेहतर होता है और ये कोरोना वायरस से लड़ने में बेहतर होता है। इसे सही वक्त पर किया जाना चाहिए और ये हर बार सफल हो ये जरूरी नहीं है। चाइना में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जा चुकी है, जिसके बाद ईरान, भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने भी इस पद्धति को अपनाने की शुरुआत कर दी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले वक्त में और भी देश जहाँ पर कोरोना का प्रकोप है इस पद्धति को अपनाएंगे।